तहसील बिछुआ के संकरवन में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पंचायती चुनाव की रणनीति बनाई गई और भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए विधायक सुजीत सिंह एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम पटेल ने महंगाई एवं ओबीसी आरक्षण के लिए बीजेपी की सरकार को बताया ये गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई आसमान छू रही है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार खामोश बैठी हुई है। पंचायती चुनाव को मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण के चलते रद्द कर दिया। प्रमुख रूप से कांग्रेस के विधायक माननीय श्री चौधरी सुजीत सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम पटेल जी एवं सेवा दल अध्यक्ष मोती सिंह ठाकुर जी, सनीत राम डेहरिया जी, ब्लॉक सेवा दल कार्यवाहक विजेंद्र ठाकुर जी, सनी ठाकुर एवं समस्त पत्रकार R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल के डिस्ट्रिक्ट क्राइम हेड साहिल जी एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे और शांतिपूर्वक कार्य सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय न्यूज चैनल डिस्ट्रिक्ट हेड साहिल खान के साथ आज हम विधायक महोदय सुजीत सिंह चौधरी जी से बात करेंगे कि यहाँ पे पंचायती राज को लेकर चुनाव के बारे में चर्चा किए गए हैं, तो हम R9 राष्ट्रीय न्यूज चैनल के माध्यम से ये लोगों को और पब्लिक को विधायक महोदय जी क्या मैसेज देते हैं, हम बात करेंगे विधायक महोदय जी। आज हमारे प्रसिद्ध संकरवन स्थान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिछुआ के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पूरे बिछुआ ब्लॉक से बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण यहां पर उपस्थित हुए। हमारा इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव को लेकर के था। अब मध्य प्रदेश में जैसी भी स्थिति बनी है, हो सकता है पंचायत चुनाव निरस्त हो, और हम जो कांग्रेस पार्टी है वो तो पंचायत चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम सब चुनाव के मूड में भी हैं ताकि ग्राम में एक अच्छी सरकार, जो जिसको गांव की सरकार कहते हैं, उसका निर्माण हो सके और हमारे भविष्य में इस प्रकार के चुनाव तो निश्चित होंगे। इसे तो हमने सभी लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किया और हम लोगों ने भी उनको दिशा निर्देश दिए। विधायक मोदी जी, एक बार आपका नाम बताइए। सुजीत सिंह चौधरी, विधायक चौहान। सो मच। एंड ब्लॉक अध्यक्ष हमारे प्रीतम पटेल बड़े भाई, जिसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था, बुलाया था, मैं भी दो शब्द बोलूंगा कि R9 को अपना आभार व्यक्त करें। भाई साहिल जी, आप R9 की तरफ से जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर शंकरवन की भूमि में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो आपने आपका समय दिया, मैं इसके लिए आपको सभी लोगों को ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। R9 भारत के लिए छिंदवाड़ा बिछुआ से साहिल की रिपोर्ट। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को लगाई आग। बेहर के अंतर्गत आने वाले ग्राम लहंगा कन्हार में ग्रामीणों ने रेत निकालने से नाराज बाधा कंपनी में लगे ट्रैक्टर को आग लगा दी है। पोकलैंड मशीन में तोड़फोड़ कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि लहंगा कन्हार से रेत निकालने का ठेका बाधा कंपनी को दिया गया है, जिससे गाँव के ट्रैक्टर संचालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शासन की नीतियाँ ग्रामीणों के विरुद्ध नजर आ रही है। ग्रामीणों ने बीती रात साइड में खड़े ट्रैक्टर में ज्वलनशील तरल डालकर आग लगा दी है। पोकलैंड मशीन में तोड़फोड़ की ट्रैक्टर चालक अज्जू सोनी ने मलाज खंड थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपियों पर धारा 323, 294, 427, 435, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अंतर्गत लहंगा कनाल गांव है, लहंगा कनाल जहां पे ये घटना हुई है, ये रेत वाले के लीगल और अनलीगल जो निकालते हैं रेत, उसके विवाद को लेकर गाँव वालों ने ये घटना कारित की है। इसमें लहंगा कनार गांव के 6 से 7 लोग रात्रि में जो लीगली रेतों का उत्खनन कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने लाइसेंस ले रखा है। वहाँ उनकी मशीनें, ट्रैक्टर, जेसीबी पड़ी हुई थी, जो ये लोग रात्रि में गए, उन लोगों को डराया धमकाया कि आप लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ पे हमारा अवैध काम करते हैं, यदि आप लीगल काम करते हैं तो हमारा नुकसान होगा, और उन्हें भगाने के लिए वहाँ उनके साथ मारपीट की। साथ में उन्होंने उनके ट्रैक्टरों में आग लगाई तथा मशीनों के साथ तोड़फोड़ की, जिस पर से थाना मलाजखंड में 435, 323, 294, 506, 34 IPC का अपराध हेमंत कुमार धुर्वे और उसके 6 अन्य नामजद लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए सर? अभी ये सभी लोग फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। R9 भारत के लिए बेहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट।